हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। आज मैं निकल पड़ा पेरियर नेशनल पार्क की ओर। वैसे पेरियर नेशनल पार्क का वीडियो इसके बाद आने वाला है। जाने से पहले मुझे एक बहुत ही अच्छा डैम मिल गया। डैम का नाम है मंजुला डैम। आपको मंजुला डैम के बारे में कुछ बताते हैं। मंजुला डैम जो है वो बैंगलोर से नियर अबाउट 400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पड़ता है, जो के दिंदगुल तमिलनाडु में है। तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ उस डैम पे। आप लोग देख के जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वो डैम। बस रास्ते में नारियल पानी देखा तो रुक गया। ये इधर नारियल पानी पीते हैं फिर निकलते हैं। இதுதான் உடம்புக்கு நல்லது. அது ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடித்தாலும் இது ஒரு மடக்கு தண்ணி குடித்தாலும் இதில் இருக்க சக்தி அதில் இருக்காது. பஹத் மீட்டா ஹை. நாரியல் பானி தோ பி லியா, அபி பாரி ஹை மலாய் கா, யே பி கா லேதா ஹூன், ஷோர் க்யூ தே. अब ये रास्ता से देखिए हम लोग जा रहे हैं मंजुला डैम की ओर। हाँ, ये मंजुला डैम इधर बोट भी है। दोस्तों, अगर आप बैंगलोर से आते हो तो आपको सलेम होते हुए मदुराई रोड पकड़ना है। तो हम लोग पहुंच गए अभी मंजुला डैम पे। यहाँ पर कर आपको 25 रुपीस चार्ज देना पड़ेगा। ड्रोन तो अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं ड्रोन शॉट नहीं ले पाया, बस अपना कैमरा से ही वीडियो लेना पड़ा। कितना अच्छा जगह पे आया हूँ देखो, लेकिन यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है, इसलिए ड्रोन का वीडियो तो नहीं ले पाया। अगर ले पाता तो कितना अच्छा होता। देखिए कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद मेरे नज़र में पड़ गया एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा वाटरफॉल, जो कि कोडरमा रेंज पे था। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग आप कोडरमा घूमने आएंगे या कोडी घूमने आएंगे, वहाँ से बहुत इजीली आप ये मंजुला डैम पे आ सकते हैं। तो मेरा पास एक जूम कैमरा था, उससे जितना हो सके मैंने कोशिश किया वो वाटरफॉल का वीडियो लेने का। वैसे रेजोल्यूशन तो बहुत ही ख़राब आया, लेकिन क्या करें, उस टाइम में मेरे पास और कोई बड़ा कैमरा नहीं था।
इसके बाद दोस्तों हम लोग पेरियर नेशनल पार्क के ओर चल पड़े। उसका वीडियो अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनको बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट पे ये ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।